देखिए, निर्मला सप्रे जी बहुत ही समझदार विधायक हैं। उन्होंने जो आपसे खुद पत्रकार वार्ता में कहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की जो टिप्पणियाँ हैं, खास करके महिलाओं के प्रति टिप्पणियाँ बहुत ही निचले स्तर पर आ गई हैं। उन्होंने खुद कहा कोई आइटम बोलता है, कोई चास नहीं बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसलिए वो बहुत दुखी थी और वो आज भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट बेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है HDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड बीना। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। बहुत बड़ा विकेट कांग्रेस का गिरा है। इकलौती सागर जिले की विधायक थी निर्मला सप्रे, जो कांग्रेस में थी, भाजपा में शामिल हो गई, और गोविंद सिंह राजपूत जो मंत्री हैं उनकी अगुवाई में ये सारा कार्यक्रम हुआ। भाई अब बड़ा विकेट गिरा है, मतलब बता रहे हैं 3 दिन पहले भी जीतू पटवारी ने बयान दिया था उससे हाथ। देखिए, निर्मला सप्रे जी बहुत ही समझदार विधायक हैं। उन्होंने जो आपसे खुद पत्रकार वार्ता में कहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की जो टिप्पणियां हैं, खास करके महिलाओं के प्रति टिप्पणियां बहुत ही निचले स्तर पर आ गई हैं। उन्होंने खुद कहा कोई आइटम बोलता है, कोई चास नहीं बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसलिए वो बहुत दुखी थी और वो आज भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। मेरी इस संबंध में चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से करीब 8 दिन पहले हुई थी और बड़े ही पॉजिटिव तरीके से चर्चा हुई थी। और आज मुझे खुशी है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में हजारों लोगों के सामने निर्मला सप्रे जी ने भाजपा ज्वाइन की, उनका स्वागत है और काफ़ी धन्यवाद। आपके संपर्क में रही निर्मला? मेरे संपर्क में, मैं सीधे मुख्यमंत्री जी के संपर्क में था, मेरी उनसे चर्चा इस समय में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद निश्चित रूप से उनके काम भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी में हर विधायक के काम होते हैं, क्योंकि मोहन यादव जी की सरकार है और अब उनके काम भी होंगे और बीना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उनतीस की 29 सीट वो आएंगी और सागर में अब 8 की 8 विधानसभा हो गई, तो सागर लोकसभा का रिजल्ट भी ऐतिहासिक रहेगा। अब उनको कहीं कहीं तो एजेंट ही नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। बीना में भी बहुत प्रचंड जीत है। बीना में प्रचंड जीत होगी। बीना में वजह क्या है? बीना की विधायक ही कांग्रेस की भाजपा वाली, वजह क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गोविंद सिंह राजपूत थे जिन्होंने कहा कि अब बीना में भी प्रचंड जीत होगी, तो जाहिर तौर पर उनके संपर्क में थी निर्मला सप्रे और मुख्यमंत्री से गोविंद सिंह राजपूत ने पहले ही संपर्क किया था इस पूरे मसले पर। कहीं ना कहीं अभी ये देखा जाएगा कि 8वीं विधानसभा में अब भारतीय जनता पार्टी की जोरदार दस्तक है। उम्मीद है इस दफा बहुत अच्छी जीत से भाजपा यहाँ जीत दर्ज करेगी। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, AC, non-AC रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।